प्रोफेशन ज्वाइन किया है, ट्रैवलिंग इज़ लाइक अ पार्ट ऑफ माय लाइफ बिकॉज एवरी वीक और एवरी मंथ आई हैव टू ट्रैवल एंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया आई हैव बीन देयर, सो यस ट्रैवलिंग इज़ जस्ट लाइक इन माय सिस्टम नाउ। ट्रैवलिंग के अगर हम बात करें इंडिया में, वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर अगली बार बार जाना पसंद करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ? देयर आर लॉट, मीन आई लाइक गोवा लॉट, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब जब भी मौका मिले यू कैन गो टू गोवा, इट्स वेरी फन बिकॉज यू कैन रिलैक्स देयर, इट्स वेरी हैपनिंग प्लेस, या आई लव गोवा। एवरीवन इज नो आई एम डूइंग टैलेंटेड, मधुर सर इज अमेजिंग, आई मीन वर्किंग विथ हिम इज़ लाइक अ अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम, यू नो, और मैं सबको कहती रहती हूँ कि जो दूसरी, इन्होंने हमेशा स्टार्स के साथ काम किया है, हमेशा बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, सो व्हेन ही इज़ लॉन्चिंग अ न्यू फेस, यू नो, व्हेन ही इज़ लॉन्चिंग 5 न्यू फेसेस, सो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट है इंडस्ट्री में, क्यूरियोसिटी है एंड एवरीबडी इज वेरी ईगर टू नो व्हाट इज कैलेंडर गर्ल इज ऑल अबाउट। सो बेसिकली हाउ मेनी गर्ल्स इन द मूवी? 5. I'm sorry, I'm not able to reveal the character now. You just wait for the trailer, which is getting released next week. So just wait for that. How was the experience with Madhur Bhattacharya? Amazing, I said, na? He's a very fantastic director. And, you know, he's very down to earth. You know, wo itne bade director hai. But while working with newcomer, he was so easy to work with. So it was amazing to work with him. Your first movie, yes, this is my first Bollywood film. First, which nervousness hai? नर्वसनेस मतलब या एक्साइटमेंट है, हल्की सी नर्वसनेस है बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द आउटकम ऑफ द फिल्म, आई वॉन्ट टू सी हाउ इंडस्ट्री इज एक्सेप्टिंग मी एंड आई वॉन्ट टू सी दैट यू नो वॉट इज माई रेशियो ऑफ सक्सेस इन द फिल्म, सो यस देर आर बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, आई एम वेरी नर्वस। Lot many favorite actors are there, lot many favorite actresses are there. I can't just name one, I have lot many favorite. बहुत शौक है, आज ही ट्रैवल करके आया हूँ, ऑल दो मैं यहीं था, मतलब इंडिया में ही था, लेकिन जब बाहर रहते हैं तो हम यहाँ इंडिया को कितना मिस करते हैं, और ट्रैवलिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है जिंदगी का, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ होने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि बाहर अच्छा हो जाता है, एक पूरी यूनिट, जैसे हमारा काम है शूटिंग का, तो हम शूटिंग बाहर जाते हैं, पूरी यूनिट, एक नया माहौल मिलता है, नया पूरा सीनारियो मिलता है, पूरा सराउंडिंग्स नया मिलता है, कुछ अच्छा देखने मिलता है, लोगों को भी नई चीज़ें देखने मिलती, तो ट्रैवलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और फिर ट्रैवल के अवार्ड्स हैं, मतलब मेरा ख्याल है चलने फिरने के भी अवार्ड शुरू हो जाएंगे। देखिए ट्रैवल तो मैं करता हूँ, मैं तो जाता हूँ सीधा बीच वाली जगह पे, मेरी सबसे फेवरेट जगह यही ट्रैवल करना हो तो गोवा होती है, जब बाहर ट्रैवल करना हो तो फिर उसके बाद में बैंकॉक है, कोसोमुई है, जाके आराम से समुन्द्र के किनारे जाओ, चिल, एंजॉय करो।
क्या ये साइलेंस बहुत अच्छा लगा मेरे को। देखिए आपसे पूछना चाहूँगा कितना आने वाले क्या क्या प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं और जो अभी कर रहे हैं मजा। सबसे पहली बात जिसके लिए खास हम आए हैं, हमारी फिल्म आ रही है थोड़ा लुत्फ थोड़ा इश्क, सचिन गुप्ता जी ने डायरेक्ट की है और ये हमारे साथ हैं फिल्म में नेहा फवाद। तो कॉमेडी फिल्म है और पहली बार आप मुझे एक अलग रूप में देखेंगे, थोड़ा सा शराफत का जो नकाब है मेरा हटेगा और छिछोरापन बाहर आएगा। नेहा आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म में, क्या किस तरह किरदार आप निभा रहे हैं? मैं फिल्म में मिनी प्ले कर रही हूँ राजपाल जी के ऑपोजिट, सो आपको हमारी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी स्क्रीन पे और ज्योग्राफी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब देखने को मिलेगा आपको। यार ये क्या बचपन में बहुत लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े नहीं है तो सब पढ़ा देंगे। हाँ, सब पढ़ा देंगे। नाम काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, बेसिकली क्या मैसेज दे रही है और क्या भेज रही है? देखिए ऐसा है कि दिल्ली के दो लड़के हैं, दो आवारा लड़के हैं जो जिनके पास कुछ काम नहीं है सिवाय इसके कि लड़कियों को घुमाते फिराते हैं। जिंदगी एक ऐसा इन्हें मजाक सिखाती है, ऐसा मजाक चखाती है तो उन्हें पता चल जाता है कि जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, इसीलिए थोड़ा लुत्फ भी उठाओ थोड़ा इश्क भी करो और थोड़ा इंजॉय भी करो। थैंक यू। भरत जी कुछ नहीं बोलना चाहते।